खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीएम गैंग के सरगना सहित 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक बाल औपचारिक को निरुद्ध किया है। आपको बता दें कि ये गैंग शराब ठेकेदारों से शराब की दुकानों में हिस्सेदारी की मांग करती थी और हिस्सेदारी नहीं मिलने पर मारपीट की वारदातों को अंजाम देकर दहशतगर्दी पैदा करती थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 14 अप्रैल को इस गैंग के सदस्यों ने चिड़ावा रोड पर होटल संचालक बलवान सिंह जाट के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और दूसरे दिन शराब ठेके में हिस्सेदारी की मांग की और मना करने पर मारपीट करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में थी। यहाँ जो भी नई मार्च माह में नई शराब की दुकानें आवंटित हुई थी, इसमें जो पूर्व में शराब की दुकान चला रहे थे उनका जो अब जिनके जो अब संचालित करेंगे उनसे कोई हॉट टॉक होगी, जिसपे एक दूसरे को इन्होंने चैलेंज कर लिया। चैलेंज करने के कारण एक घटना मुकदमा नंबर 111 का दर्ज हुआ 14 तारीख को, जिसमें आपस में इन्होंने मारपीट की और फिर भाग गए। फिर दोबारा से ही इनकी टेलीफोनिक वार्ता पे फिर दोबारा इनकी हॉट टॉक हुई, तो दोबारा आके उसी घटनास्थल पर उसी ढाबे पर, तो बलवान का ढाबा है सूरजगढ़ चिड़ावा रोड पर, उस पर अगले दिन भी उसी तरह से मारपीट करके भय पैदा किया।